अकेले रहने में कभी मत डरना दोस्तों, क्योंकि बाज हमेशा अकेले उड़ता है और कबूतर झुंड में। सर दादी की लिपसिंग तो ओपी है, पर ये कहवे ये तो टट्टी है। इसे देख के तो बाज भी यही बोलेगा, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं। हमेशा अकेले उड़ता है और कबूतर झुंड में। पर इस डायलॉग को सुनने के बाद कबूतर को ना भाई दिल से बुरा लगा और उसने सुसाइड कर लिया। पर तुम लोगों को ना कबूतर पार्टी कभी माफ नहीं करेगी। बताओ कि इस गाने का मीनिंग क्या है, डोरो डोरो पापी 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 डोरो पापी। क्या बोला तूने? साले गाने का मतलब किसी को पता नहीं, फिर भी सब अपनी गांड हिला जा रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। पर साला मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनके घरों में बाथरूम नहीं है क्या बे, ये सड़क पर ही क्यों हगने आ जाते हैं। अरे दीदी कुछ तो ढंग का कर लो। अलेक्सा मेरी तारीफ करो। जब तक दिन के चार बार इनके कोई तारीफ नहीं करता ना, तब तक ये घर से बाहर नहीं निकलती और ना ही इनकी टट्टी होती है। तारीफ तो कर दूंगी लेकिन फिर नजर कौन उतारेगा। और साला अलेक्सा भी परेशान होकर इनसे यही कहती होगी, अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। बा अरे बहन चोद सवाल, झुमकरो झुमकरो झुमकरो। इनसे मिलो, ये खतरों के खिलाड़ी, पर इन्हें खतरे मोल लेना बहुत अच्छा लगता है। पर बेटा बोतल थोड़ी सी भी दर्द हुई ना तो सीधा आए दैया मार डाला। पर एक बार ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये बोतल पहले से ही थोड़ी अंदर है। बात तो सही है। दौड़ना तो नहीं। कैसे हो मेरे कैदी के चाहने वालों, कैदियों के चाहने वालों। तो दोस्तों आज मैं बंद हो चुका हूँ जेल में और मुझे जमानत करवाने के लिए 30,000। अरे ये तो वही है ना जो भी ना, मतलब क्या चीख तो चिल्लाता रहता है। पर साले ये जेल कैसे गया? मुझे तो लगता है इसके चिल्लाने से ना किसी को हार्ट अटैक आ गया होगा और सीधा निकल लिया होगा, इसलिए जेल में है। 30,000 की सख्त जरूरत पड़ रही है। तो इस वीडियो में मैं अपना पेटीएम नंबर जो है अपडेट कर रहा हूँ, तो कृपया करके जिससे जितनी श्रद्धा हो सके, well done, 10 रुपए से लेके 10,000 तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर, पुनीत भाई वीडियो नहीं बना पाना, अगर पुनीत भाई की वीडियो का मजा लेना चाहती हो तो जमानत के लिए 30,000 कट्टे कराओ। ना ना कोई जरूरत नहीं वीडियो बनाने की, आप वहीं रहो वहीं, ठीक है, ताकि मेरी जमानत हो जाए। और गलत काम करने वालों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोग गलत काम करते हैं सोच समझ के गलत काम करें, क्योंकि आप लोगों की भी वही हालत हो सकती है जो इसके मेरी हो गई है। तो कृपया करके सादर आपको प्रणाम और जल्दी जल्दी मुझे पेटीएम करते जाए ताकि मेरी जमानत होती जाए। धन्यवाद। ओके। तालियां बजती रहने चाहिए दर्शकों। दीदी ने जो इतना अच्छा डांस स्टेप जो करके दिखाया है, इसका मतलब दीदी आज राजेश डांस एकेडमी से ना यही स्टेप सीख के आई है। पर दीदी एक बार और करके दिखाओगी? वाह वाह अति सुंदर। मुझे तो लगता है जब ये हगने भी जाते होंगे ना तो ऐसे बल खाते हुए जाते होंगे। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले